खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर। सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सुफियान चौधरी एवं अखलाक अहमद क्राइम रिपोर्टर के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां बैठक मंथन कर रही हैं। वहीं पर पीस पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर लोकसभा डुमरियागंज से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए उनके कद्दावर नेता नौशाद आजम खान को अपनी पार्टी में शामिल करके पीस पार्टी की तरफ से लोकसभा डुमरियागंज का प्रत्याशी घोषित कर दिया। डॉक्टर अयूब ने कहा कि अभी तक कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनसे अलायंस करने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा डुमरियागंज से इनको चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए और इसीलिए पीस पार्टी नौशाद आलम साहब पीस पार्टी का डुमरियागंज से प्रत्याशी बनाने की। इसमें एक बिंदु ये रह जाता है कि अभी देश की सियासत में बहुत सारे बदलाव होने हैं और बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं। अभी तक तीन राजनीतिक विकल्प बड़े बने हैं, एक इंडिया की। डॉक्टर साहब, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस मकसद के लिए रखी गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीस पार्टी ने डुमरियागंज लोकसभा से प्रत्याशी की घोषणा के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और हमारे मौजूद साथी भाई नौशाद आजम साहब इस पार्टी ने डुमरियागंज लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया। इंडिया जो कि नया एक संगठन बना, इसमें पीस पार्टी या MIM को मौका नहीं दिया गया, अलायंस में नहीं लिया गया, क्या ये कोई रणनीति रही हुई उन लोग की कि इसमें मुस्लिम पार्टियों को अलग किया जा सके? अब मैं समझता हूँ कि सवाल आपका पूरा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक विकल्प तो इंडिया का भी है, NDA का भी है और बसपा का भी है उत्तर प्रदेश में, और ये तीनों राजनीतिक जो विकल्प हैं ये भाजपा के अगुवाई में NDA और कांग्रेस के अगुवाई में इंडिया और बसपा है, इन तीनों में बिना कोई हिस्सा लिए मुसलमान अभी 75 साल से वोट देता आ रहा है और वो अभी अपने में से नेता चुन करके उसके साथ जुड़ा नहीं है, इसलिए उसको कोई विकल्प नहीं है। तो आज राजनीति में तो इस पार्टी ही नहीं बल्कि जो मुस्लिम क़यादत की पार्टियां, लीडरशिप की जितनी पार्टियां हैं उनको कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूं कि आज तो पूरा मुस्लिम समाज ही राजनीति का छूत बन गया है, उन्हें कोई अपने मंच पर भी खड़ा होने देना नहीं चाहता है 20% होने की वजह से। मैं समझता हूँ कि ये इंडिया और NDA और बसपा की दोष नहीं है, बल्कि खुद मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपने में से अपना लीडर नहीं चुना है, उन्होंने दूसरे पर भरोसा दिया और दूसरे को हराने जिताने के लिए वोट देता रहा है, वो अपने फायदे के लिए काम नहीं करता रहा है, इसलिए उन्हें गुलाम बनाने के बजाय उन्हें हिस्सेदारी कौन देगा? इसलिए अभी पीस पार्टी नहीं बल्कि मुस्लिम को कोई हिस्सेदारी देने को न तो इंडिया तैयार है, न तो NDA तैयार है और न तो बसपा तैयार है। वो जानते हैं कि मुसलमान लाचार बेबस होकर के मजबूर होकर के हमें वोट देगा, तो फिर उन्हें हिस्सेदारी क्यों दी जाए?